दूर तक फैले हुए ये ऊंचे पहाड़ और देवदार के लंबे पेड़ अपने साये में न जाने कितनी दास्तानें छुपाए हुए हैं। इन्हीं दास्तानों में से एक दास्तान है वर्मा कॉटेज की, जो इन पहाड़ों के बीच है। वर्मा साहब और उनकी पत्नी तो बरसों पहले परलोक सिधार गए, पर अपने पीछे छोड़ गए एक रंगीला खुशमिजाज मचलता हुआ भौंरा, यानी कि उनकी इकलौती औलाद विजय वर्मा और करोड़ों का ये बिजनेस। एक बार प्यार से तू बोल, प्यार से तू बोल मेरे यार। एक बार प्यार से तू बोल, प्यार से तू बोल मेरे यार। जब एक लड़का किसी लड़की से मिले उसे हो जाता है प्यार, वो मुंह से तो कुछ भी न कहे पर दिल तो ये कहता है यार। क्या? एक बार प्यार से तू बोल, एक बार प्यार से तू बोल, प्यार से तू बोल मेरे।
डॉक्टर साहब की तक पड़े सो। चाय रख दी, अपने आप पी लेना। काका अब क्या है? ये देखो क्या है अब? आज फिर नाराज हैं? नहीं, नाराज नहीं होंगे तो क्या खुश होंगे है? अब कौन सी गलती हो गई हमसे? गलती? अरे पूछो जाकर अपने विक्रम अंकल से। अंकल आए थे? अरे कब कब नहीं आए वो, कितनी बार फोन किए। अरे किस किस से झूठ बोलूं तुम्हारे लिए, कब तक अपनी बेइज्जती करा था फिरूं? ना मालूम कब सुधरोगे तुम। जानते हो कल कितना जरूरी काम था? क्या? अरे तुम्हें किसी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने हैं और आज उसकी आखिरी तारीख है। बस इतनी सी बात? ये इतनी सी बात है और क्या, आज आखिरी तारीख है ना। हाँ तो दस्तखत हो जाएंगे? दस्तखत हो जाएंगे। रोक क्यों दी? क्या? अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट। काका क्या है? मुस्कुराइए ना। मुस्कुराइए। अरे मेरे प्यारे काका प्लीज। जाओ जाकर जल्दी से तैयार हो जा। अब पता चला कि नया दिन शुरू हुआ है। रामदीन। नमस्ते साहब। रामदीन आइए विक्रम बाबू आइए। मतलब ये कि छोटे साहब बहादुर आज मौजूद हैं। आपको कैसे पता चला? तुम्हारी मुस्कुराहट से। तुम कब और कैसे मुस्कुराते हो मुझे मालूम है। बुलाओ उस नालायक को। गुड मॉर्निंग अंकल। अंकल मैं कब से आपकी राह देख रहा था। काका बता रहे थे कि आज कोई आखिरी तारीख है कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने। ओहो आखिरी तारीख वाला कॉन्ट्रैक्ट। बहुत परेशान कर रखा था इसमें। इसने नहीं तुमने। मैंने? ओहो यानी कि मैंने तो दस्तखत करने इस पे। वाओ व्हाट अ नाइस पेन। इंपोर्टेड है? अंकल आपका भी जवाब नहीं है। हर चीज का एक नया स्टाइल, हर बात का एक नया अंदाज। बकवास बंद करो। करूं? साइन हो गया। आखिरी तारीख वाला काम हो गया। अंकल ये नाश्ता वाश्ता? नाश्ता यंग मैन इस वक्त दिन के 1:30 बजे हैं। ये नाश्ते का टाइम नहीं लंच का टाइम है। तो लंच? लंच हम कर चुके हैं, अब हमारे ऑफिस जाने का टाइम है। तो आप अभी काम पे जा रहे हैं? हम काम पे जा रहे हैं। मैं भी काम पे जा रहा हूँ। कैसा काम? शिकार। काहे का शिकार? खरगोश का। आई हाँ मनाली, इसी बर्फ पर फिसलते फिसलते। कांता। कांता? हाँ शांता, इसी बर्फ पर फिसलते फिसलते जिंदगी हाथों से फिसल गई और वो मुझे अकेला छोड़ गई। काश मैं भी उसके साथ फिसल गया होता। पिछले 5 सालों से सर्दी हो या गर्मी, बर्फ हो या धूप, मैं इस पुल के आसपास बैठकर उसकी राह देखा करता हूँ। और आज अचानक तुम आ गई कांता। मेरा नाम शांता है मनोज। अरे नाम कुछ भी हो मुझे तो सिर्फ काम से मतलब है। क्या? मेरा मतलब फर्क तो सिर्फ कर शक है ना, बाकी आंता तो है, ऊपर वाला जानता तो है, मेरे गम को मानता तो है। सच बताओ कांता, मेरा मतलब है शांता, क्या तुम वही हो? और अगर नहीं हो और ये तुम्हारा दूसरा जन्म है तो तुम 5 सालों में इतनी बड़ी कैसे होगी? ये तुम क्या कह रहे हो मनोज, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे? मजाक? तुम कांता को मजाक? मेरा मतलब शांता को। क्या नाम था उसका? कांता। मेरा नाम शांता है। तुम ही मेरी कानू हो, तुम ही मेरी शानू हो। मुझे उस कांता की कसम जो मैं झूठ बोलूं, मेरा विश्वास करो। गोपाल क्या हुआ? कुछ नहीं, पसीना पसीना हो रहा है। तो ठीक है ना यार? ठीक हूँ। ठीक तो नहीं लग रहा, मैं भी डॉक्टर को फोन। कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ।
जरूरत है, सारा बदन बर्फ की तरह ठंडा है। मैं कह रहा ना मैं ठीक हूँ, बुरा सपना देखा था बस। धत तेरी की, तुझे देखकर मेरी जान निकल गई थी। ए जान के बच्चे, आज कौन सी जान को विदा करके आया? ठीक हो शांता, मेरा मतलब है कांता। चली गई? हाँ। कई काम से बेचारी। एक बात बता गधे, तुझे कब अकल आएगी? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? अरे कोई आबाद करने वाली मिल जाए तो मैं उसे तेरी भाभी बना दूंगा। भाभी या भाभी? हाँ। अरे कोई अच्छी लड़की ढूंढ के शादी वादी कर ले यार। अरे अच्छी लड़की की तो तलाश कर रहा हूँ, तू भी ढूंढ देना कोई अच्छी सी। तेरी कसम गोपाल, जो लड़की तू बताएगा उससे मैं शादी कर लूंगा। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस। मुझे तेरी बात पसंद आई यार। भाई अपनी पसंद तो आ गई। हाय हाय हाय, क्या पांव है भाई। भाई इन्हें जमीन पर नहीं हमारी छाती पर रखिए ना यार। क्या कमर है, क्या लचक है। वाह क्या बाल है, जैसे सूरज की किरणों को किसी ने बांध लिया हो। सही बात है यार। हाय क्या चाल है, जैसे मन में गुदगुदी हो रही हो। आय हाय ये गुलाबी होंठ, जैसे फूलों की सारी लाली चुरा ली हो। ये हिरनी जैसी आंखें, हाय मैं मर जावा। जाने मन इन प्यारे प्यारे हाथों से हमारे मुंह में भी। मुंह के बजाय मुंह पर दे दिया। ये हुई ना बात, विजय के लिए इससे बेहतर और कोई भला हो नहीं सकती। अरे है कहाँ वो यार? वो रही सामने, रंग बिरंगे कपड़े पहने हमारी तरफ ही आ रही। अरे क्या बात है गोपाल, जिंदगी वाकई संवर जाएगी। नजदीक संभल कर जाना वरना सूरत बिगड़ जाएगी। अच्छा अगर ये बात है तो लग गए शायद, मैं तुम्हें 100 का भाव देता हूँ। तो मेरे भी लग गए 50। 100 का भाव है ना? हाँ। अब देखना विजय का फॉर्मूला 44। चलो चलो फोटो खिंचवाते हैं। हाँ। अरे कितने हैंडसम है ना ये दोनों। हाँ यार। अरे दूसरे ने हमें देखकर मुंह क्यों फेर लिया? अरे शर्मा रहा होगा, लेकिन कितना स्मार्ट है ना। चलो गोपाल चले। अरे ये तो लंगड़ा है। हाँ हाँ लंगड़ा हूँ मैं। अरे गोली मार दो मुझे, पहाड़ी से फेंक दो मुझे। आप जैसे खूबसूरत और पूरे इंसानों के बीच मुझ जैसे अधूरे इंसान को जीने का कोई हक नहीं। क्या हुआ? क्या बात है लड़कियों? मैं बताता हूँ। हाँ मैं लंगड़ा हूँ सर, और इन लोगों को मेरा लंगड़ा होना पसंद नहीं। अब आप ही बताइए, अगर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया तो इसमें मेरा क्या दोष है? आप तो इनके टीचर हैं, क्या आप इन्हें यही शिक्षा देते हैं कि एक अपाहिज की बेबसी का मजाक उड़ाया जाए? बेटे आई एम सॉरी, इनकी तरफ से मैं माफी मांग लेता हूँ। चलो चलो माफी मांग लो, माफी मांग लो। माफ कर दीजिए प्लीज, माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी, मुझे अपनी छोटी बहन समझकर माफ कर दीजिए। अरे तुम तो रो रही हो, ठीक है तुम्हें एक छोटी बहन समझकर मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। जाओ जाओ और खेलो। जाओ जा तू भी खेल। सॉरी ये सब क्या था? विजय का फॉर्मूला 44 क्या? और अभी तो शुरुआत है, आगे तमाशा देखना। अब तो मेरा हाथ छोड़ दे और मैं लुढ़कते हुए उस खाई की तरफ जाऊंगा। और फिर दुनिया से एक और नेक इंसान कम हो जाएगा। क्यों? अरे नहीं यार तू समझा नहीं, वही मुझे संभालेगी। तू देख तो सही, देख पीछे खाई है, तू ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा समझा? गोपाल शर्त तूने ही लगाई है। अरे भाड़ में गई शर्त, चल साला डरपोक। आप ठीक हो ना? साला कलाकार जी। बीमार है ना, क्या जरूरत थी ढलान पैसे भागने की, कुछ हो जाता तो। जो हो गया तो हो गया ना, रहने दीजिए। थैंक यू मैडम, मेरी वजह से आपने अपनी जान को खतरे में डाल दिया एक अपाहिज के लिए। प्लीज कुछ मत कहिए, आप ठीक तो है ना? ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। सारा कसूर तो उस रेस का था। रेस? हाँ
मोटरसाइकिल रेस। जुनून था मुझे मोटरसाइकिल चलाने का। बहुत बड़ी रेस थी और इससे पहले कि मैं जीत का कप अपने हाथों में उठा पाता, मैं अपना बोझ उठाने के काबिल ना रहा। विनिंग पॉइंट पर मोटरसाइकिल फिसल गई और मेरे पैर की हड्डी कई जगह से टूट गई। झूठ, ऑपरेशन हुए। डॉक्टरों ने कहा कि मैं ठीक हो जाऊंगा बिल्कुल पहले की तरह, मगर मेरा दिल टूट गया था। खुद को घर की चार दीवारी में कैद कर लिया। किताबें पढ़ता था, गीत लिखता था, वायलिन बजाता था। बकवास। यार दोस्त मुझे कभी कभी बाहर ले जाते थे, जैसे जबरदस्ती आज मुझे यहां तक ले आए। डॉक्टरों ने कहा मैं चल तो क्या फिर से दौड़ भी सकूंगा, और क्या हो गया यहाँ? क्या हो गया? आप तो दौड़ रहे थे, आप बाकी दौड़ रहे थे। अरे हाँ, मैं तो बाकी दौड़ रहा था। हाँ, अब सही कह रही है। मेरा नाम आप नहीं सीमा है। मेरा नाम विजय वर्मा है। प्लीज टू मीट यू। चल गए छोरी, कहीं मेरे 50 रुपए। मुद्दतों के बाद मैं हंस रहा हूँ सीमा। पहली बार ऐसा लग रहा है कि जिंदगी अब भी बाकी है। तुमसे मिलकर मैं एक अजीब सा कॉन्फिडेंस महसूस कर रहा हूँ। इसी तरह मुझे देखती रहना। देखो सीमा, देखो, मैं चल सकता हूँ। मैं चल तो क्या, मैं भाग भी सकता हूँ। मा, see you soon, सीमा। Bloody idiot. Bye. वाह गोपाल वाह, कमाल हो गया। अरे विजय शर्त हार गया, वो भी 100 का भाव, तो 50 का कितना हुआ? अरे हिसाब लगाने बैठेगा तो रात हो जाएगी। अरे यार रात तो तब होगी जब पहले हमारी पार्टी होगी, वो भी विजय के हारने की पार्टी। अरे छोड़ यार, हारा हुआ खिलाड़ी क्या पार्टी देगा। अरे बेवकूफों, अभी तक हार और जीत का फैसला हुआ नहीं, खेल अभी बाकी है। अरे अब क्या बाकी है, तुझे क्या लगता है कि आज की शरारत के बाद वो तेरा मुंह देखना पसंद करेगी? अरे अपनी सैंडल इतनी बार मारेगी तेरी खोपड़ी पे कि छन्नी की तरह सुराख हो जाएंगे। ये तो वक्त ही बताएगा गोपाल, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताओ कि वो इस वक्त है कहाँ? वो इस वक्त शॉपिंग सेंटर में। हाँ, तुम ब्यूगल बजाओ, मैं समझ गया ना। लो आ गए कल वाले कलाकार, धोखे और फ्रॉड के उस्ताद। नमस्ते। नमस्ते। आखिर ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी होने वाली भाभी लाने के लिए। आखिर है कहाँ शहजादी? वो दुकान में। सुनिए, बहुत नाराज है आपसे, बच के जाना। थैंक यू। फरमाइए। हमारी मेम साहब सिर्फ देख रही हैं कि कुछ खरीदा भी है। खरीदा भी है, पैक भी हो गया। हाँ। कितना हुआ? 500 रुपए। गुड, ये लीजिए। थैंक यू। उनसे कह देना कि मैं बाहर खड़ा हूँ। जी अच्छा। Excuse me. Yes. ये भी पैक कर दीजिए और बिल दे दीजिए प्लीज। बिल आपका क्लियर हो गया। हाँ, किसने की? आपके साहब ने। मेरे साहब ने? जी। कौन? वो बाहर खड़े हैं, आपकी राह देख रहे हैं। डार्लिंग, बाय। मैं पोस्ट ऑफिस जा रहा हूँ, तुम अपनी सहेलियों के साथ आ जाना। बाय। बाय। एक बार मेरे हाथ लग जाओ फिर देखूंगी। सच बताओ, तुम्हें डरना आता कि नहीं? Yes. I'm gonna kill you. I'm gonna kiss you. I hate you. I love you. I love you, Seema. I love you, Seema. Seema. I love you. I love you, Seema. I love you, Seema. I love you. I love you.
गाना सनम ये प्यार ही तो है हैं या उड़ गए जी? वो कुछ कहने की जरूरत नहीं, मुझे मालूम है, मगर रात तक तो वो आ ही जाएगा। तू उसे कह देना कि उसके डैडी के एक दोस्त हैं दीवान महेंद्र नाथ, उनकी बेटी कल आ रही है, नाम है उसका रेनू, डॉक्टर है, यहाँ के पास के किसी गांव में उसकी पोस्टिंग हुई, 3-4 दिन वो यहाँ रहेगी। मैं चाहता हूँ कि वो उससे मिल ले, उसे पसंद कर ले, ताकि दोनों की शादी करवा दे। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी अंकल, क्यों काका? हाँ बेटे,
भगवान का शुक्र है, मेरा तो बोझ कम हो जाएगा। अच्छा फ्लाइट कल 12 बजे की है, मैं चाहता हूँ कि विजय जाके उसको रिसीव कर दे। ओके योर अटेंशन प्लीज, फ्लाइट IC107 इज रेडी फॉर डिपार्चर, पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू प्रोसीड फॉर सिक्योरिटी चेक, थैंक यू। ये लोग अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? अरे काका अगर कोई गाड़ी गई होती तो आती ना। क्या मतलब? क्या वो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोग आ गए उनकी गाड़ी। नहीं काका ये जीप नहीं, किसी और गाड़ी की आवाज है। वर्मा कॉटेज यही है? हाँ यही है जी, मैं रेनू हूँ, दिल्ली से आई हूँ। अच्छा अच्छा आओ बेटी आओ आओ। ड्राइवर सामान निकालो सामान। हेलो हेलो जी, मेरा नाम गोपाल है, मैं विजय का दोस्त। अरे दोस्त क्या, ये तो भाइयों से भी बढ़कर है, बहुत प्यार करता है विजय से। जी विजय है कहाँ? जी मुझे नहीं पता, मैंने एयरपोर्ट पे काफी राह देखी फिर टैक्सी पकड़ के आ गई। चलो अच्छा किया, आप थक गई होंगी, नहा धो के फ्रेश हो जाइए फिर बात करते हैं। हाँ काका इन्हें समझा दीजिएगा अगर अंकल विजय के बारे में पूछे तो, वो है ना। हाँ बेटी वो बेचारा विजय जरूर किसी काम की वजह से फंस गया होगा, और सुनो अगर विक्रम बाबू आए तो उनसे ये मत कह देना कि विजय तुम्हें एयरपोर्ट लेने नहीं गया था। हाँ देखिए आई एम सॉरी कि आपको आते ही झूठ बुलवा रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं, वैसे मैं यकीन दिलाता हूँ कि विजय ऐसा है नहीं, वो जरूर किसी काम में फंसा होगा। Come here. भाई साहब आपके पास माचिस होगी? माचिस? आपको क्या यहाँ पनवाड़ी की दुकान दिखाई दे रही है जो आप माचिस मांगने चले आए? नहीं कई दिनों से ये बीड़ी लेकर घूम रहा हूँ, इसको जलाना है, मेरे पास माचिस नहीं है। चलो कोई बात नहीं आपके सिगरेट से बीड़ी जला लेता हूँ। मेरे पास सिगरेट भी नहीं है। गलती हो गई मुझसे, दरअसल आप इस छोकरे के ऊपर मुंह से मुंह लगाए झुके हुए थे तो मैंने सोचा कि आप भी सिगरेट से सिगरेट सुलगा रहे होंगे। छोकरा? मैं आपको छोकरा लगती हूँ? या खुदा तेरी शान, आवाज दो कादर खान, निकले जीनत अमान। माफ करना खातून, मैं आपको इस लिबास में देखकर कुछ और ही समझ रहा था, गलती हो गई, जाता हूँ। वाकई आपके पास माचिस नहीं है? Thank you.
मालिक साहब चिल्लाइए मत, दरअसल मैं ये समझा ये मेरा घर है। बिल्कुल ऐसा ही था, मैं अपना घर समझ के अंदर आया था। वैसे आप ही का घर है विजय साहब। अरे ये तो वाकई हमारा घर है। ये नया शिकार कौन है भाई? डॉक्टर रेनु। ओ, तो आप है डॉक्टर रेनु, इतनी रात गए इस खिड़की से अंदर आने की बजाय भी आप है। जी मैं समझी नहीं, कहाँ चली गई थी आप? अरे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने, एयरपोर्ट पे ढूंढा, एयर स्ट्रिप पे ढूंढा, प्लेन के सीट्स पे ढूंढा, पायलट के कैबिन में ढूंढा, प्लेन के टॉयलेट में ढूंढा, प्लेन के बस 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 विजय सब समझ में आ गया। तू क्या समझा बे, तू क्या बकवास कर रहा है? अरे रेनू समझकर मैंने 2-3 लड़कियों को पकड़ भी लिया था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। अरे डैडी के दोस्त की लाडली को अगर कुछ हो जाता तो मैं क्या जवाब देता? पर मैंने तो बहुत इंतजार किया, फिर टैक्सी लेके आ गई। चलिए आप आ तो गई। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो इसे भूला नहीं कहते। किसकी बात कर रहे विजय? तू अपनी बकवास बंद कर गोपाल, मेरी आंखों के सामने अभी तक प्लेन्स घूम रहे हैं। वैसे मैं रात के 11 बजे तक आपके लिए इंतजार करता हूं। वैसे रात को प्लेन लैंड करता ही नहीं। गुड नाइट गोपाल। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड लक। बाय द वे डॉक्टर रेनू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और मन को चैन भी मिला। एनीवे आपने सुबह से कुछ खाया है कि अभी तक भूखी? बेटी एक पीस और खा लो। नहीं नहीं काका, बहुत खा लिया। अरे रेनू बिटिया, अगर इतनी डाइटिंग करोगी तो हम दीवान साहब को क्या जवाब देंगे? जी पापा जानते हैं मैं ज्यादा नहीं खाती। अच्छा ये बताओ कैसा लगा तुम्हें हमारा शहर? अंकल अभी देखा कहाँ है। आराम से खाओ बेटे, कहीं जाने की जल्दी है। एक्चुअली अंकल शिकार पे जाना है। काहे का शिकार? अभी तक डिसाइड नहीं किया। हाँ, जहाँ भी जाओ रेनू बिटिया को अपने साथ जरूर ले जाओ। क्या हुआ? हुआ कुछ। अरे इसको हमेशा इतनी जल्दी क्यों लगी रहती है? अंकल आज के शिकार का हमें जल्दी जाना पड़ता है। मर गए। सीमा हाय। I'm sorry I'm late. It's okay. लव 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 भाग में गया तेरा लव यार। देख तू सीमा को भूल जाओ, रेनू से शादी कर ले। गोपाल मैं सिर्फ सीमा से शादी करूंगा। अकल से काम ले यार, रेनू में क्या खराबी है? पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है। खराबी यह है कि मैं उसे प्यार नहीं करता। कोई पागल ही होगा जो डॉक्टर के साथ शादी करेगा। रात को अचानक घंटी बजी और वो गई किसी मरीज के पास। तुम बैठे रहो उल्लू की तरह, झक मारो, प्यार से उसकी तरफ हाथ बढ़ाए तो नब्ज देखने लगेगी। दिल पर हाथ रखा तो दिल का दौरा समझकर हॉस्पिटल में भर्ती कर देगी। मुंह खोला थर्मामीटर अंदर और पता नहीं मूड खराब हो गया तो कहां कहां इंजेक्शन ठोक देगी। बकवास बंद कर विजय, सीमा कुछ दिनों के बाद चली जाएगी, उसके बाद सीमा के इश्क का बुखार उतारने के लिए आपको नए शिकार के लिए फिसलेंगे, है ना? नहीं यार गोपाल, ये मेरी जिंदगी का असली और आखिरी प्यार है, शिकार नहीं। और फिर जिस लड़की को मेरे यार गोपाल ने चुना हो उससे मैं प्यार ना करूं, क्या ये मुमकिन है? अरे चला गया। हे भगवान, उस गधे के नसीब में भी कोई लड़की लिखी होगी, कहीं तो होगी, मिला दे उसको भी इससे, फिर मैं देखता हूं उसका क्या हाल है। गोपाल गुड मॉर्निंग। चलिए कहा? जहां आपका दिल चाहे। ओ ओ हुआ
क्या बात है बोलो। I'm in love। मैं बहुत प्यार करता हूं, उसके बिना मैं जी नहीं सकता। मैं सीमा के बिना मर जाऊंगा। तुम तो खुशकिस्मत हो, तुम्हें किसी की मोहब्बत मिली। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मेरी मदद करो प्लीज। ठीक है, मैं आज ही अंकल से कह देती हूँ। जी नहीं, अभी अंकल से कुछ मत कहना, मौका आने पर मैं बता दूंगा। ओके। थैंक यू डॉक्टर एन, तुमने मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी उलझन दूर कर। ये एहसान में एहसान नहीं, मेरा फर्ज है। दो प्यार करने वालों को मिलाने से बड़ी खुशी कौन सी होगी। अच्छा पहले अपनी सीमा से तो मिलाओ, हम भी तो देखें कौन खुश नसीब है वो। रेडी, तुम सीमा से मिलना चाहती हो? हाँ क्यों नहीं, तो चले। I'm sorry. रेनु, ये है सीमा, मेरी जिंदगी, मेरी जान और मेरी खुशी। अच्छी है ना? बहुत सुंदर। और सीमा, ये है मेरी दोस्त रेनु, I'm sorry, डॉक्टर रेनु दीवान। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर सीमा। मुझे भी। अगर जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, मैं चलती हूँ। मैं आपको छोड़ देता हूँ? नहीं, कब से आपका इंतजार कर रही है, आप यही रहिए, मैं चलती हूँ। ओके बाय बाय। चलो सीमा। बहुत अच्छी लड़की है रेनु। हाँ, वाकई बहुत अच्छी है। अच्छा एक बात बताओ, जब भी तुम मुझे मिलने आते हो हमेशा ये फूल के लिए आते हो साथ में। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगता? नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमेशा यही गुलाब का फूल क्यों ले आते हो? क्योंकि गुलाब फूलों का राजा है और तुम मेरी जिंदगी हो। यकीन मानो सीमा, तन्हाई में जब तुम मेरे पास नहीं होती तो ये फूल मुझे हमेशा तुम्हारी याद दिलाता है। कब से खड़ी हैं? थोड़ी देर हुई। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं आप। बस यूं ही कुछ रंग बिखेर देता हूं कोरे कागज के सीने पे। और कोरे कागज के सीने पर एक कलाकार की कल्पना हमेशा के लिए अमर हो जाती है। पर एक बात समझ में नहीं आई। वो कौन सी? ये अर्थी और डोली, दो अलग अलग ख्याल एक साथ। जिंदगी और मौत, रात और दिन, गम और खुशी, ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं, जिंदगी के हार में एक साथ पिरोए हुए, है ना? आप हमेशा तो ऐसे नहीं होते। कैसे? इतने सीरियस? शायद कुछ लम्हों के लिए अपना मुकुट पहनना भूल गया था। कितना फर्क है विजय में और आप में। वो कैसा? आप इतने गंभीर, सीरियस, और वो कितने चंचल, शरारती, बिल्कुल आपकी इस तस्वीर की तरह, अलग अलग होते हुए भी एक साथ। अच्छा ये बताइए, इतने मुख्तलिफ मिजाज होते हुए भी आपकी दोस्ती कैसे हुई? हमारी दोस्ती? ये भी एक अजीब इत्तेफाक है। 4 साल पहले मैं शहर में नया था, भूख लगी थी, एक रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ जहां पे विजय साहब पहले से मौजूद थे।
जल्दी देना यार। मिस्टर हेलो मिस्टर ये सिगरेट बुझाओ। कहाँ बुझाऊं भाई साहब, यहाँ कोई एस्ट्रे नहीं है। मेरे सिर पे। आपके सर पर? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी कहीं? आपका सर गंदा तो नहीं हो जाएगा? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको प्रॉब्लम जरूर हो जाएगी। ओ, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने को शाना समझता है क्या? हा? अरे तू किस टाइप का इंसान है यार? तू सैंडविच खा रहा है, मैं मार खा रहा हूँ। अरे कुछ कर, जाने देना यार। तू इसका मामा लगता है क्या? थैंक यू। मार डालूंगा तेरे को, छोड़ूंगा नहीं। अरे ये तो साला बॉक्सर है यार। ये तो सारा डाजन है। शुक्र करो कि तुम्हारी नादानी की वजह से जान नहीं गई इस बेचारे की। अगर इसे कुछ हो जाता ना तो जिंदगी भर जेल में बैठ के चक्की पीसते, नाम रोशन करते अपने मां बाप का। कहां का रहने वाला है, किसका बेटा है, कितने परेशान हो रहे होंगे इसके घर वाले। होश आ गया तुम्हें? अब इससे पहले कि तुम किसी हिंदी फिल्म की हीरो की तरह पूछोगे कि मैं कहां हूं, मैं तुम्हें बताता हूं। मेरी वजह से तुम यहां तक पहुंचे। ठीक हो जाओ तो जो सजा चाहे दे देना। हां, लेकिन सबसे पहले यह बताओ कि तुम्हारे शहर में कोई रिश्तेदार है जिसे हम खबर कर सकते हैं? रिश्तेदार? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अजनबी हूं। तुम्हारा कोई नहीं है? नहीं। सुना काका, झूठ बोलता है ये इंसान। अरे जिसकी रगों में विजय वर्मा का खून बह रहा हो, कहता है कि वो दुनिया में अकेला है, उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। हाँ बेटा, इसने गलती भी की और तुम्हारी जान बचाने के लिए अपना खून भी दिया। तुमने मुझे अपना खून दिया? हाँ भाई,
कम से कम मैं ये तो कह पाऊंगा कि मेरा भी किसी के साथ खून का रिश्ता है। काका। हाँ बेटा। हमारा ये अजनबी ठीक हो जाए तो इसे इसका घर दिखा दीजिए। ये घर मेरा ना होकर भी मेरा है, सबसे बहुत सारा प्यार मिला। कितनी अजीब बात है ना रेनू, कल तक जो मेरा कुछ नहीं था वो आज मेरा सब कुछ है। भगवान करे तुम दोनों की दोस्ती हमेशा फूलों की तरह महकती रहे। ये चारों तरफ फैले हुए फूल देख रही हो, लेकिन कोई भी फूल मेरे इस फूल से ज्यादा खूबसूरत नहीं। झूठ, तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन करने को मन नहीं करता। अच्छा तो फिर जो मन करता है अब वही करे। भाई साहब। अरे माचिस नहीं है हमारे पास, भगवान के लिए हमारा पीछा छोड़ दे। एक माचिस की तीली के लिए इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? नहीं है माचिस तो ना सही, मैं अपनी बीड़ी कहीं और जला लूंगा। कहीं कुछ दाल में काला है। हो गई। अगर बेचे पूछे मैं कहा था, सो रहा था, सर में दर्द हो रहा था और कहीं गई नहीं। हाँ प्लीज सॉरी। सो रहा था, जाग रहा था, सर में दर्द था, ये क्या हो गया इसको? काका। हाँ? किधर है गोपाल? वो ऊपर सो रहा है बेटा। What? दर्द के मारे सर फटा जा रहा था तो अभी बाम लगा के आया। बाम? उसको बाम की जरूरत नहीं, उसको बम की जरूरत है। लेकिन हुआ क्या बेटे? काका आज आप बिल्कुल दखल नहीं देंगे, मैं उसकी ऐसी हजामत करूंगा कि वो साला सारी जिंदगी याद रखेगा। अरे सुन तो, हे भगवान ये क्या हो रहा है? बाम लगा के सोया? मैं तेरे को दिखाता हूँ। विजय, विजय, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। विजय आप दिखाई दिया? हाँ, लेकिन तुझे क्या हुआ? आप मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और पूछता क्या हुआ? क्या बात है? अबे बात के बच्चे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? देख वैसे ही मुझे थोड़ा सा ही वक्त मिलता है सीमा से मिलने के लिए। जब भी मैं प्यार से उसके नजदीक जाने लगता हूँ तो तेरा सारा किराए का टट्टू बीच में आ जाता है और कहता है आपके पास माचिस है क्या? पागल हो गया क्या? पागल तूने किया, पागल तेरी माँ, तेरी माचिस ने किया। अरे मेरी बात तो सुन यार, तू अपने आपको समझता क्या है? मैं उसकी रक्षा कर रहा था यार। रक्षा किसकी? बेचारे सीमा की। व्हाट? तुझसे बचा रहा था मैं। तो क्या मैं कोई राक्षस हूँ? हाँ। और तू साला सत्यवान अपने आप को भगवान समझता है? देख जब बात किसी बिचारे की इज्जत तक आ जाएगी ना तो भगवान बन के सामने खड़ा जाऊंगा मैं। ओके देन। ठीक है बेटा, शतरंज तूने बिछाई है, मोहरे तूने रखे और चाल भी तेरी है, देखते हैं कौन किसको मात देता है। मैं तेरे को 100 का भाव देता हूँ, बोल कितना लगाता है। देख अपनी औकात 100 की तो नहीं है, 50 है तो बोल। चल देखते हैं कौन किसका उस्ताद है। ये कोई वक्त है आने का? I'm really sorry. मैं माचिस खरीदने गया था, देर हो गई। माचिस? किस लिए? पता नहीं कब इसकी जरूरत पड़ जाए। विजय, तुम्हें वक्त का बिल्कुल एहसास नहीं है। तुम जानते हो कि मैं 2 दिन में चली जाऊंगी और अभी तक तुमने कोई फैसला नहीं किया है ना? आहा, गलत सोचा है तुमने। मैंने फैसला कर लिया है, तुम कहीं नहीं जाओगी और हमारी मोहब्बत दास्तान बन जाएगी। यस, लैला मजनू की तरह, हीर रांझे की तरह, रोमियो जूलियट की तरह। बैठो जीप में। क्यों? अरे बैठो तो सही, कमान कमान, बैठो 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 बैठो। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? अमर होने के लिए। क्या? यस सीमा, हम मरने जा रहे हैं। What? धीरे चलाओ, धीरे चलाओ। विजय गो स्लो, गो स्लो, स्टॉप इट, नो, नो, विजय। कभी तो सीरियस रहा करो विजय, हर वक्त मजाक, हर वक्त शरारत। जिंदगी खुद एक शरारत का नाम है सीमा। मैं एक ऐसा शख्स हूं जो अपने शादी के मंडप पर भी कोई ना कोई शरारत करता रहूंगा। मैं तुम्हें वहां भी चैन से नहीं बैठने दूंगा। जानते हो मैं क्या करूंगा? नाराज हो गई, तुम मुंह फेर लेती हो
तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी रूठ गई हो। भगवान ना करे अगर वाकई तू मुझसे रूठ गई तो मैं मर जाऊंगा। ऐसी बातें मत करना। तुम क्या समझती हो सीमा कि तुम्हारे जाने से मैं खुश हूं? अरे मैं तो यूं ही मजाक मजाक में अपने आप को बहलाने की कोशिश कर रहा था। सीमा मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा और मैं जल्द से जल्द तुम्हारे डैडी से मिलकर तुम्हें हमेशा के लिए मांग लूंगा। हमेशा के लिए सीमा। भाई साहब तुम ये लो माचिस का बंडल और मेरा पीछा छोड़ो। माचिस बंडल? माचिस का बंडल दे रहे हो मुझे? उस बदनसीब इंसान को जिसको कल तक कोई माचिस की तीली तक नहीं देता था। देखा प्रभु कैसी है तेरी लीला, कर दिया ने मेरा विश्वास गीला। ए ज्यादा बकवास मत कर, ये माचिस का बंडल ले और फूट जाए यहाँ से। मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़को नेक इंसान, तेरी वजह से मेरी बीड़ी पीने की आदत छूट गई, अब मुझे माचिस की जरूरत नहीं रही है। तो फिर कौन सी जरूरत तुझे यहाँ तक लेकर आई है बे? मुझे वक्त पूछना है, आपके पास घड़ी है? चलती है ना? Get out! इसलिए कहती हूँ सीमा, अक्सर ऐसा ही होता है इस उम्र में, लड़का लड़की मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और जब दूर होते हैं तो एक दूसरे को भूल जाते हैं। किसी के लिए ये मुलाकात एक तमाशा एक खेल होता है और किसी की जान का रोग बन जाता है। वो मुझसे शादी करना चाहता है। उसने अपने माता पिता से तुम्हें मिलवाया होगा? जी विजय का इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं मुंबई जाके अपने पापा से बात करूंगी। और मम्मी से? जी मम्मी तो मुझे बचपन में ही छोड़कर भगवान के पास। आई एम सॉरी। खैर अपनी शादी में इनवाइट करना हमें मत भूलना। चल विजय घर चले। अभी नहीं गोपाल। यार तू क्यों देवदास बना हुआ है? तेरी कहानी को दियन लग चुका है, सीमा जा रही है और अब तेरा ये नाटक देखने वाला है कोई नहीं। ये नाटक नहीं है गोपाल, तू समझ क्यों नहीं रहा? अगर सीमा चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ खत्म नहीं होगा विजय, ये पंछी उड़ जाएंगे तो और नए आ जाएंगे, जिंदगी खत्म नहीं होगी। नई जिंदगी शुरू कर विजय, रेनू आज भी तेरी राह देख रही। नहीं गोपाल मुझे रेनू की नहीं, मुझे सीमा की जरूरत है। अगर सीमा नहीं होगी तो मेरी जिंदगी मौत से भी बदतर होगी। तेरी कसम गोपाल मैं सीमा से वाकई प्यार करता हूं, मेरा यकीन कर। यकीन किया विजय, तो फिर देर किस बात की है, सीमा अभी तक यहीं है। क्या जिंदगी के हर पल को समेट ले अपनी झोली में। I'll miss you, Seema. मुझे खत लिखना। सब लोग आ गए? आ गए। मैं तुम्हारे खत की राह देखूंगा। जी कहिए। विजय से कहिएगा कि उसकी पसंद हमें बहुत पसंद आई। सीमा बहुत अच्छी लड़की है और अब देर ना करे और शादी का पहला कार्ड मुझे भेजे। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं चलूं? बाय। बाय। कोई खत? नहीं बाबूजी आपका कोई खत नहीं है, खत होता तो मैं खुद पहुंचा देता। कोई खत नहीं आएगा विजय, अपने आप को धोखा मत दे। सीमा ने तेरे साथ मजाक किया है। नहीं यार कोई किसी के साथ ऐसा मजाक थोड़ी करता। क्यों तूने क्या किया जिंदगी भर? झूठे नाम झूठे एड्रेस झूठा प्यार झूठे वादे। बस गोपाल ऐसी बद्दुआ मत दे यार।
नहीं आएगा विजय, अपने आप को धोखा मत दे। सीमा ने तेरे साथ मजाक किया है। क्यों, तूने क्या किया जिंदगी भर? झूठे नाम, झूठे एड्रेस, झूठा प्यार, झूठे वादे। माधवी, सपना, कांता, शांता, गोपाल बेटे, ये चिट्ठी आई है। जी शुक्रिया। विजय वर्मा, जरूर किसी नए शिकार का खत होगा, हम भी तो देखें। मेरे प्यारे विजय, सीमा, बहुत दिनों के बाद खत लिख रही हूँ, जानती हूँ नाराज होगे। क्या करूँ, पापा से बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। खत लिखकर सारी बात बता दी और फिर खुशखबरी, पापा मान गए। बल्कि वो तुम्हें मिलने आने वाले थे पर बीमारी की वजह से नहीं आ सके। खैर, वो तुमसे मिलने आ रहे हैं 26 तारीख को और उसी फ्लाइट से वापस। उन्हें मेरी पसंद पर कोई एतराज नहीं है, बल्कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी भी कर ली है। शादी का मुहूर्त तक निकलवा लिया है, इस महीने की 30 तारीख एयरपोर्ट पहुंच जाना वही सफेद रंग का सूट पहनकर। डैडी पहचान जाएंगे। और देखो, प्लीज मेरे पापा के सामने कोई शरारत मत करना, वो दिल के मरीज है। प्यार के साथ, तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी सीमा। वाह विजय वर्मा, तुमने तो मुझे भी धोखा दे दिया। मुझे लगा था आग सिर्फ एक तरफ की है, लेकिन ये तो बराबर की है। अब देख मैं तुझे क्या सरप्राइज देता हूँ। Your attention please. Flight IC401 has arrived. Thank you. Mr. Vijay Verma? Ji, Khanna sahab. हाँ, और तुम? जी मैं विजय वर्मा। देखा हमने तुम्हें कितनी जल्दी पहचान लिया। हमारी बेटी की चॉइस बहुत अच्छी है, जैसा उसने कहा था तुम बिल्कुल वैसे ही निकले। मैंने तो इस रिश्ते के लिए तुम्हें देखे बिना ही हाँ कर दी थी। जीते रहो बेटा। अंकल, काश मेरे भी माँ बाप होते तो आज। ऐसा क्यों कहते हो बेटा? अगर सीमा हमारी बेटी लगती है तो तुम भी हमारे कुछ लगे ना। जी, उसका खत तो तुम्हें मिल गया होगा। जी हाँ, हमने शादी की तारीख पक्की कर दी है, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? जी नहीं अंकल। तो फिर ठीक है, जल्दी से बारात लेकर आ जाओ और अपनी अमानत ले जाओ। गुड लक। अच्छा जी, अच्छा। गुड लक मिस्टर विजय वर्मा। विजय, ये क्या हाल बना रखा था? तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक। मेरा कोई खत आया गोपाल? हाँ आया तो था, एक खत बॉम्बे से। बॉम्बे से? मेरी सीमा का खत आया? नहीं, एक इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू? हाँ, जॉब की एप्लीकेशन दी थी। तो क्या तू अभी नौकरी करेगा? मुझे अभी तक गैर समझ रहा है। नहीं ऐसी बात नहीं है विजय। तो फिर क्या बात है गोपाल? क्या ये सारी जायदाद, ये कारोबार सिर्फ मेरा है? क्या हम दोनों अलग हैं? ठीक है, मैं अपने खून से सब कुछ तेरे नाम लिख देता हूँ। और क्या लिखेगा अपने खून से? मेरी तकदीर तो बहुत पहले अपने खून से लिख चुका है। और कर्जदार मत बना मुझे।
तो औरों की तरह मुझे छोड़कर क्यों जा रहा है यार? अरे पगले, चंद दिनों की तो बात है, और वैसे भी नौकरी का तो सिर्फ बहाना है। मैंने सोचा इसी बहाने एक पेंटिंग एग्जीबिशन भी देखा। गुड, तो कब जा रहा है तू? 29 तारीख को बॉम्बे। यार गोपाल, सीमा भी बॉम्बे में रहती है। इत्तेफाक से अगर तुम उससे मिलो तो उसे जरूर कहना कि मैं आज भी उसके खत की राह देख रहा हूं। अगर मिली तो जरूर कहूंगा। थैंक्स। अरे एक गिलास पानी ला रहा फौरन। पापा क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हो? बिल्कुल ठीक हो बेटा, बिल्कुल ठीक हो। नहीं, खैर एक मिनट। कुछ नहीं हुआ। अरे अंकल जल्दी आइए प्लीज। क्या हुआ बेटे? अरे इसे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस यूं चक्कर सा आ गया था। बिल्कुल ठीक हूँ मैं। हाँ वो मैं देखता हूँ, जरा बेटे मेरा बैग तो मंगवाना। तुम भी जब देखो बच्चों की तरह बस। बच्चा मैं नहीं, बच्चे तुम बन रहे हो। अरे मेरे होते हुए तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? अरे तुम कितना काम करोगे? क्यों नहीं करूंगा, तुम क्या समझते हो वो सिर्फ तुम्हारी बेटी है मेरी नहीं? देखो सीधी तरह आराम से बैठो वरना अस्पताल भिजवा दूंगा। और बारात वगैरह का सब इंतजाम कौन देखेगा? बारात का सारा बंदोबस्त हो चुका है, तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? और फूल? फूल जवाई राजा को फूलों से लाद दूंगा, तो देख तो सही यार। एक ऐसा शख्स हूं जो अपने शादी के मंडप पर भी कोई ना कोई शरारत करता रहूंगा। मैं तुम्हें वहां भी चैन से नहीं बैठने दूंगा। जानते हो मैं क्या करूंगा? अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। बात है बेटा, कुछ कुछ परेशान सा लग रहा तू। पता नहीं काका, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। दरअसल बेटे तू गोपाल के बिना उदास रहने लगा है। शायद भगवान करे गोपाल ठीक हो। अंदर जाओ दूल्हे राजा, वो आपका इंतजार कर रही है।
जवाब नहीं विजय वर्मा की पसंद का। तुम यहाँ? विजय कहाँ है? विजय यहाँ से बहुत दूर अपने घर में। मैं जानती हूँ कि आप मजाक कर रहे हैं, ये जरूर विजय की कोई नई शरारत है। मुझे यकीन था कि वो कोई ना कोई शरारत करेगा, है ना? सुहाग रात को दुल्हन के कमरे में दरवाजा बंद करके सिर्फ उसका पति ही जाता है सीमा, पति का कोई दोस्त नहीं। दुल्हन की सहेलियां और रिश्तेदार सिर्फ दूल्हे को ही दुल्हन के कमरे का रास्ता दिखाते हैं, किसी गैर को नहीं, है ना सीमा? अग्नि के गिर्द फेरे सिर्फ दूल्हा और दुल्हन लेते हैं, दूल्हे का कोई दोस्त नहीं। नहीं, सुहाग रात तो दूल्हे की होती है, किसी और की नहीं। नहीं, ये झूठ है, मेरी शादी विजय से हुई है। तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, अग्नि के गिर फेरे मैंने लिए थे, विजय ने नहीं। सफेद सूट पहन के मैं गया था तुम्हारे पापा से मिलने, विजय नहीं। उन्होंने आशीर्वाद भी मुझे दिया, विजय को नहीं। तुम मेरी पत्नी हो सीमा, विजय की नहीं। लेकिन मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती। तुम्हारे मानने न मानने से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि समाज, हमारे रिश्तेदार, हमारे जानने वालों की नजरों में हम दोनों पति पत्नी हैं। भगवान के लिए ऐसा मत कहना, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों मेरे साथ ये जुर्म किया? तुम तो जानते थे ना कि मैं विजय से प्यार करती हूँ। तुमसे तो मेरा कोई ताल्लुक भी नहीं था, सिवाय उस इज्जत के जो मैंने तुम्हें विजय का दोस्त और भाई समझ कर दी थी। क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने गोपाल, क्यों? काश मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया होता। मैं समझती थी कि मैं विजय के साथ फेरे ले रही हूं। क्या कर दिया तुमने गोपाल, क्या कर दिया तुमने? तुम बहुत थक गई होगी, खामखा एक्साइटेड हो रही हो, ये सब बातें करने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। सोचा बात आखिरी बार कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे लिए किसी किस्म की एक्साइटमेंट भी अच्छी नहीं, चाहे वो अच्छी खबर मिलने से हो या फिर बुरी। अपना ख्याल रखो यार। अब क्या ख्याल रखना है, अरे मैं तो एहसान मंद हूं इस दिल का कि अब तक धड़क रहा है, कम से कम बेटी की शादी तक तो साथ दिया इसने। अब कोई गम नहीं, बस कुछ दिन और जी सका तो सब कुछ छोड़ छाड़ के तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊंगा, अपना सब कुछ बेटी और दामाद के नाम करके। हाँ भाई विजय, सब ठीक है। तू जल्दी आ जा यार, यहाँ अकेले मन नहीं लग रहा। आ जाऊंगा। नौकरी वोकरी का चक्कर छोड़ दे। मैंने वाकई नौकरी वोकरी का चक्कर छोड़ दिया है, लेकिन क्या हुआ? एक लड़की पसंद आ गई। क्या लड़की और पसंद? हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा यार। ए, तू गोपाल ही बोल रहा है ना, कोई रॉन्ग नंबर तो नहीं लग गया? अरे हाँ भाई, गोपाल ही बोल रहा हूँ। तो मेरी तरह बेवकूफ मत बनना, लड़की का आता पता ढूंढ लेना। ठीक है, वेरी गुड। ए, मैं आकर तेरी शादी की बात करता हूँ। अरे भाई, मैंने बात भी कर ली और शादी भी। क्या बकवास कर रहा है तू बे? दोस्तों के साथ मजाक? मजाक नहीं कर रहा विजय, मैं हकीकत बता रहा हूँ। कहाँ मेरी कसम? तेरी कसम
ओह माय गॉड, गोपाल तूने शादी कर ली। काका जल्दी से सामान बांध दो, गोपाल ने शादी कर ली। मुझे यकीन नहीं हो रहा। गोपाल मैं आ रहा हूँ। नहीं तो वहीं रुक, मैं आ रहा हूँ। शादी की पार्टी देगा ना? पार्टी? अरे यार जान दे देंगे तेरे लिए, तू आ तो सही, देखना क्या रिसेप्शन होगी तेरी। ठीक है विजय, तैयार है ना? ओके बाय। अरे क्या हुआ हमारी लाडली बिटिया को, रो रही है? बेटियां तो पराया धन होती हैं, उन्हें तो एक ना एक दिन अपने घर जाना ही पड़ता है। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए, तुझे मनचाहा पति मिला। अब तो भगवान से बस एक ही प्रार्थना है, तुझे इस जिंदगी की सारी खुशियां दे दे। पापा आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, वरना मैं आपको आपको छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा इसका। वैसे मैं रात भर समझाता रहा कि आपको साथ ले चलें, लेकिन समझती नहीं। अरे बेटा मैं कहां बोझ बनकर चलूंगा तुम्हारे साथ, अब इसे कैसे समझाएं? तू क्यों चिंता करती है, सब नौकर चाकर है ना, कपूर है, बल्कि कपूर और मैंने तो साथ में तीरथ जाने का फैसला किया है, निकल जाएंगे हम कुछ ही दिनों में। बस एक फर्ज था कि तेरी शादी हो जाए, सो हो गई। अब क्या है, जिंदगी के सब मकसद पूरे हो गए। अरे हाँ बेटा, तुम्हारे टिकट आ गए हैं। चाहता तो था कि कुछ रोज रोक लूं तुम्हें, लेकिन जानता हूं काम छोड़कर आए हो, कल सुबह 10 बजे की फ्लाइट है। जी देख, समझ गया? तू सुनना पहले, सुन, फूल यहां से लेकर वहां तक लगाओ, मेरा दोस्त गोपाल आ रहा है, जल्दी करो। ओके। अरे सुन तो, आप लोग बातें ही करेंगे या काम भी करेंगे? अरे ना साहब, जल्दी करो। अरे तू भी जल्दी कर यार। जी आप लोग क्या कर रहे हैं? फूल लगा रहे साहब। फूल लगा रहे हैं, वेरी गुड। अरे बेटा तू तो पी ले, तू जा। अरे तू खुद पी ले यार, तू जा वहां जाकर पी। अरे बेटा तू कुछ और तो खा ले। काका गोपाल को आने दो, सब मिलकर खाएंगे। बड़ा जिद्दी है। अकेला सिंह मैं टोकरी लेकर तेरे सर पे मारूंगा। मैंने बोला कहाँ रखने को? काका कमरे में। तो यहाँ क्या कर रही है यार, तू ले जा। ले जाता हूँ साहब। काका फ्लाइट कितने बजे की है? दो बजे की। लेट तो नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं, सही टाइम पर है। समझ में नहीं आ रहा उसे मुझे एयरपोर्ट क्यों नहीं बुलाया। काका रिसेप्शन की सारी तैयारियां हो गई? हो गई। ओके खाने का सारा इंतजाम हो गया? गुड। टाइम क्या हुआ? अरे 2 बजे है। दो? गुड। काका मैंने वो जो दो एक ही टाइप के सूट मंगाए थे वो आ गए? अरे बेटा आ गए, ऊपर रखे हैं। ग्रेट। मेहमानों को तो खबर कर दी? अरे सबको खबर कर दी, सबको फोन भी कर दिया बस। ओके फ्लाइट का टाइम तो हो गया, गाड़ी गई कि नहीं एयरपोर्ट? गाड़ी भी गई, सब कुछ हो गया। तू हमें भी परेशान कर रहा है, खुद भी परेशान हो रहा है, तू आराम कर बस जा। अरे आराम हराम है काका, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई। क्या? गोपाल ने मुझे एयरपोर्ट क्यों नहीं बुलाया? अब ये बातें तुम दोनों जानो, मुझे नहीं मालूम। आ गया। अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि तुमने शादी कर ली। गोपाल और शादी, पत्थर जैसा इंसान पिघल जाएगा, ये तो चमत्कार है। अरे यार हम भी तो देखें उस चांद को जिसने सूरज बनकर हमारे दोस्त को मोम की तरह पिघला दिया। या नहीं यार, तू अंदर चल के देख। क्यों भाव खा रहा है क्या? जिस सूरज ने तेरे पत्थर जैसे दोस्त को पिघला कर मोम का बना दिया, सोच उसकी रोशनी में इस मोम की पुतली की क्या हालत होगी। भाप बन के भप से उड़ जाएगा तू। चल तू अंदर चल के देख, ताकि कोई संभालने वाला तो हो तुझे। आइए ना। आइए आइए। घर में दाखिल होने से पहले क्या क्या रस्में होती हैं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन शायद भगवान के आशीर्वाद से बड़ी और कोई रस्म नहीं। चल चल तू अंदर जा। चल एक मिनट। आइए भगवान को प्रणाम करें।
चलिए। देख गोपाल, मैंने तेरी खातिर घर को क्या सजाया। मैंने सोचा कि आज तू आएगा तो मैं बहुत झगड़ूंगा तेरे साथ, फिर यह सोचकर माफ कर दिया कि आज नहीं। लेकिन तू भी कमाल करता है यार, शादी कर लिया किसी को खबर तक नहीं दी, दोस्त भाई यार किसी को नहीं बताया, चट मंगनी और पट दिया। अरे यार, तुमने इन्हें मेरे बारे में कुछ बताया भी कि नहीं? सोची होंगी कि पता नहीं कौन इतनी देर से बेमकसद बकवास कर रहा है, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। और अब मैं चुप भी कैसे रहूं ऐसे खुशी के मौके पर? अरे मेरा बस चले तो मैं दुनिया को चिल्ला के बता दूं कि मेरे दोस्त की शादी हुई। नहीं नहीं, अभी आपका कमरा नहीं, मेरा है, और मेरा कमरा आप लोगों का है। अबे मेरा मुंह क्या देख रहा है, चलना यार। और वैसे भी मुझे अकेले को इतने बड़े कमरे की क्या जरूरत है? दूल्हे साहब, मैंने आपके लिए क्या सरप्राइज तैयार किया है, जरा चल के देखिए तो सही। विजय, तूने तो नक्शा ही बदल दिया कमरे का। ये तो पता नहीं, तुझे अच्छा लगा? हाँ। अगर किसी चीज की कमी हो तो कह देना। नहीं विजय, सब ठीक है। अरे यार, इन्हें बैठने के लिए तो कह। बैठिए ना। अरे गोपाल, अब तो दिखा दे चेहरा अपनी दुल्हन का, हटा दे घूंघट। इतना हक तो तुझे भी है, चाहे काम तू खुद ही कर ले। मैं हटा दूं? तू माइंड तो नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन जरा संभाल कर, फिर ये ना कहना कि हमें खबर नहीं हुई। ओके देन, मेरा नाम विजय है, गोपाल ने बताया होगा, वो मेरा दोस्त भी है और भाई भी, तो इस नाते मैं भी आपका कुछ लगा। अफसोस सिर्फ एक बात का है, काश इस घर में कोई औरत होती, माँ बहन या भाभी, तो वो आपके आने पर तमाम रस्में पूरी करती जो मैं नहीं कर पाया। खैर, ये तो मेरी बदकिस्मती है और गोपाल की। लेकिन एक बात की खुशी है, जब मेरी शादी होगी तो मेरी रस्में पूरी करने के लिए कोई तो होगा। आप बुजुर्गों से सुना था कि जब नई दुल्हन घर में दाखिल होती है तो घर वाले उस लक्ष्मी को घर की चाबियां सौंप देते हैं। मैंने भी ये चाबियां इकट्ठी की हैं। पता नहीं कौन सी चाबी कहां लगती है, आप इनके ताले खुद ही तलाश कर लीजिए, क्योंकि आज से आप ही इस घर की मालकिन हैं। आपके हुक्म से यहां दिन होगा, आपके हुक्म से यहां रात होगी, आपके हुक्म के बिना वर्मा कॉटेज का एक पत्ता तक नहीं हिलेगा। आप मलिका बनकर राज करेंगी और मैं आपका गुलाम, क्योंकि आप गोपाल की पत्नी हैं और गोपाल मेरा भाई है, इसलिए मैं यह हक रखता हूं कि आज आपका यह घूंघट उठाकर देखूं कि मेरा यार गोपाल सूरज को लाल जोड़े में कैद करके कैसे लाया है। ये था वो सूरज जिसे तू लेकर आया है मेरे लिए? मुझसे मजाक किया, नौकरी का झूठ मूठ का बहाना किया मेरे लिए? सीमा, इसे कहते हैं दोस्ती और इसे कहते हैं यारी। देखा कहां से तलाश करके लाया तुम्हें। मैं तो सोचता था कि मेरे गम और मेरे जख्मों का किसी को एहसास नहीं। अरे मैं तो कर्जदार हो गया हूं अपने यार की यारी का। तू महान है गोपाल, इतना एहसास था तुझे मेरे दर्द का। सीमा, यह इंसान नहीं, इंसान के रूप में देवता है। अरे इसके चरण छुओ, इसकी पूजा करो। तू तो अपना भी गुरु निकला यार, तूने मुझे मात दे दी। अब मैं जिंदगी में तुझसे कोई शर्त नहीं लगाऊंगा, तूने मुझे हरा दिया दोस्त। सीमा को मेरे पास लाकर खरीद लिया है तूने मुझे। विजय, एक मिनट, पहले तो मेरी पूरी रोक मत गोपाल, मुझे कहने दे, मन का गुब्बार निकल जाने दे। आज मैं कितना खुश हूं, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तूने मेरी झोली में डाल दी। विजय, तू गलत समझ रहा। विजय, सीमा को मैं तेरे लिए नहीं अपने लिए लाया हूं। सीमा तेरी पत्नी नहीं, मेरी पत्नी है। नाटक नाटक नाटक, अब तो कुछ भी बोल गोपाल,
विजय सच्चाई समझ गया। सच्चाई की जिस आईने में तो अपनी मोहब्बत को तलाश कर रहा है वो एक फरेब है। अगर तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं तो सीमा से पूछ ले वो किसकी पत्नी है, तेरी या मेरी। सीमा बता दो इसे। सीमा नहीं, ये झूठ है। सीमा कह दो कि तुम दोनों ने मजाक किया है, कह दो कि तुम सिर्फ मेरी हो, कह दो कि तुम सिर्फ मेरी हो। सीमा नहीं, मैं गोपाल की पत्नी हूं, वो मुझे ब्याह कर लाया है। विजय क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं। देख मैं नहीं जानता था तू सीमा से इतना प्यार करता है, मुझे लगा कि तेरा कोई खेल है। और सीमा मुझे पसंद आ गई, उसका दिल टूटने से पहले मैंने उसे शादी कर ली। देख गलती मेरी है और मैं अब भी, और इसी बात उसे तलाक नहीं।, नहीं यार, तूने जो कुछ भी किया ठीक किया, मैं तो मजाक कर रहा था। गुड लक गोपाल। बटे सीमा यार, विजय आज इस खुशी के मौके पर कुछ हो जाए। यार कहाँ है विजय? अबे अंधे, विजय उधर है। हाँ विजय, आज इसमें उल्फत भी है, मौका भी है और दस्तूर भी। क्यों? नहीं गोपाल, आज मैं नहीं गाऊंगा। मगर क्यों? क्योंकि आज मुझे इतनी खुशी मिली है कि मुझे लफ्जों की कमी पड़ गई। अरे हमारी शादी और विजय का गाना नहीं, नामुमकिन। आज मैं आवाज में तेरा साथ दूंगा, तू साज में मेरा साथ दे। कुछ ऐसा राग गा कि तेरे दिल की बात मैं अपनी जुबान से कह सकूं। चल। मैं दिल के दिल में रखता हूँ बसी
मुझे मारना है तो अपने हाथों से मेरा गला घोट देते ना, लेकिन भगवान के लिए मुझे इस घुटन से निकाल दो गोपाल, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो प्लीज। शादी के बाद तुझे अक्ल आ गई, अब इन सब चीजों को यादें बना के रखने से क्या फायदा, बड़ा अच्छा लगा कि तू बदल गई। और रही बात इस तस्वीर की, इसकी यहां कोई जरूरत नहीं, ये सामने रहेगी तो तुझे डिस्टर्ब भी करेगी, लेकिन इसे फाड़ेंगे नहीं, इसकी जगह बदल दे, इसे मैं अपने कमरे में ले जाता हूं, ठीक है? ले बेटा जूस भी ले। थैंक्स काका। कितना बदल गया है बेटा तू, कल तक तो अपने काम के बारे में सोचना भी पसंद नहीं करता था और अब सिर्फ अपने काम के बारे में ही सोचता है। पकड़ लिया। देखा सीमा, मैं कहता था ना रोज सुबह सुबह कहीं खिसक जाता। क्यों साहब, हमसे कोई गलती हुई है, कोई भूल हुई है? हाँ नहीं तो? तो फिर ये चक्कर क्या है, तुम हमसे भाग क्यों रहे हो? अरे अगर शादी की, इसका मतलब ये तो नहीं कि दो इंसानों को परिंदों की तरह पिंजरे में बंद कर दो, ना खाने पे मुलाकात ना नाश्ते पे दर्शन। इसलिए आज हमने ये फैसला किया है, तुम्हें पकड़ेंगे, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। क्यों, ठीक है ना विजय? कहाँ? अरे भाई घूमने फिरने, बाहर खाना खाने। देखो सीमा तो बेचारी बोर हो गई, तो मैंने सोचा अगर तुम साथ रहोगे तो इसका दिल लगा रहेगा, है ना? चलिए चलो चले। बैठिए ना बीच में, बैठिए। क्या हुआ, कम ऑन सीमा, बैठो बैठो। चलो बेटे, जिंदगी भी कितनी कमाल की चीज है विजय। कल तक हम ऐसे ही बैठा करते थे, लेकिन रिश्ते कितने अलग अलग थे, है ना? कहां जाने? मेरे ख्याल से वही जा तुम सीमा से पहली बार मिले थे। सीमा ये वही जगह ना जहां तुम विजय से पहली बार मिली थी। लगना बन के क्या नाटक किया था इसमें। उस दिन मैं से 50 रुपए की शर्त भी आ रहा था,
वो मोटरसाइकिल रेस की कहानी, टांग टूटना, वायलिन बजाना, गीत लिखना। अब कहाँ जाना है? अब चलते हैं वही पुरानी जगह। ब्यूटीफुल, क्या जगह है जानती हो सीमा? ये विजय की फेवरेट जगह है, ये अक्सर यहाँ के तैरा करता है। अरे मैं भी कितना पागल हूँ, यहीं तो सारा नाटक हुआ था। विजय पूल में कूदा था और चिल्लाया था बचाओ बचाओ, फिर बचाने वाला भी डूब गया था और तैरने वाला भी। चलो गोपाल घर चलते हैं। घर इतनी जल्दी? अरे यार अभी तो मजा आने लगा है। विजय विजय वो गाना सुना ना? मुझे याद नहीं। याद नहीं? अरे यार तू तो किसी भी लड़की को देख के शुरू हो जाता था। गाना, सीमा भी तेरा साथ देगी, है ना सीमा? मेरा मन नहीं है। क्या यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तुम लोग साथ ही नहीं दे रहे। अच्छा ठीक है, कुछ देर के लिए ये मान लेते हैं कि तुम वही पुरानी प्रेमिका हो और तुम प्रेमी और मैं तुम्हारा दोस्त गोपाल। ओके कम ऑन सीमा, चलो घर चलते हैं। रो रही हो? अरे इतनी मुश्किलों के बाद खुशियों के पल हमारी मुट्ठी में आए हैं, इन्हें समेट लो सीमा वरना रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाएंगे। विजय क्या है? विजय कम से कम तू तो गा। वाकई वो गीत मुझे याद नहीं है गोपाल। मगर मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। हाँ सनम ये प्यार ही तो है। क्या सोच लिया भगवान, अपने दोस्त की पत्नी के बारे में। विजय तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मेरा कोई कसूर नहीं है विजय, मेरा विश्वास करो। मैंने तुम्हें खत लिखा था, एयरपोर्ट पे डैडी से मिलने के लिए तुम्हें बुलाया था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरे साथ क्या होगा। मेरा कोई कसूर नहीं है विजय, सारा कसूर गोपाल का है। गोपाल ने मुझे धोखा दिया है विजय। मैं तो शादी के मंडप पे भी यही सोचकर खुश होती रही कि मेरी शादी तुमसे हो रही है, तुम मेरे पति हो। मैंने आज तक गोपाल को अपना पति नहीं माना। मैं तो अभी यही सोचती हूं कि तुम मेरे पति हो, तुम मेरे पति हो विजय, तुम मेरे पति हो। सीमा वाह विजय वाह, क्या बात, ये बरसात और तूफानी रात सब खामोशी से सो रहे, लेकिन इश्क की आग में जलने वाले दो प्रेमी। क्यों सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं तुम्हें? तू जो सोच रहा है वो सच्चाई नहीं है यार, मेरा यकीन कर। क्या मैं अंधा हूं? कैसे कर लूं तुम्हारा यकीन? अगर तुम्हारी पत्नी कमरा छोड़कर अपने पुराने आशिक के कमरे में जाए तो क्या करते मेरा यकीन? हां जरा सोचो, अगर आईने में अपनी सूरतें देखोगे तो चेहरे पे सिर्फ गुनाह ही गुनाह नजर आएंगे। बेहोशी के इंजेक्शन का क्या फायदा उठाया तुम लोगों ने, नफरत हो गई तुम दोनों से। तू इस वक्त ठीक से नहीं सोच रहा यार गोपाल, मुझे तेरे प्यार और तेरी दोस्ती की कसम, यहां किसी ने कोई पाप नहीं किया। अगर हमारी दोस्ती का जरा सा भी एहसास बच गया हो तो मेरा यकीन कर। बस अरे इडियट, मजाक भी नहीं समझता, जरा सा नाटक किया और बर्दाश्त नहीं हुआ, और हमें देखो क्या क्या बर्दाश्त कर लेते हैं। श्रीमती जी आपको मालूम है कि आपके पति की तबीयत खराब है और इस वक्त आपको अपने पति के कमरे में होना चाहिए था, ना कि अपने पुराने प्रेमी के कमरे में।
है ना? चलता हूं विजय, गुड नाइट। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन शायद इस वक्त ज्यादा नहीं लिख सकूंगा। बस यूं समझ लो कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और तुम एक उजाले की किरण। अकेला हो गया हूं और तुम्हारी जरूरत है इस वक्त। फौरन आ जाओ। लव, विजय। सरप्राइज, हर बात में सरप्राइज। खत पढ़कर तो मैं डर ही गई थी। अब समझ में आया, शादी पे नहीं बुलाया ना, इसलिए सरप्राइज देने बुलाया है। तुम्हें बहुत मुबारक हो, शादी बहुत बहुत मुबारक हो। भगवान करे तुम्हारी और विजय की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तुम भी धोखा खा गई ना रेनू, मैं विजय की नहीं गोपाल की पत्नी हूँ। मेरी शादी विजय से नहीं गोपाल से हुई है। क्या? मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ धोखा हुआ है। किसने दिया तुझे धोखा? विजय ने? नहीं, गोपाल ने। गोपाल ने? गोपाल ऐसा भी कर सकता है? उसने तुमसे धोखा किया ये जानते हुए कि तुम उसके दोस्त से प्यार करती हो? उसने अपने दोस्त विजय से धोखा किया? यकीन नहीं आता। जो शख्स इतनी ऊंची ऊंची बातें किया करता था, वो इतनी जलील और गिरी हुई हरकत भी कर सकता है, यही ना रेनू? हाँ। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या बिगाड़ा था इन प्यार करने वालों ने तुम्हारा? अरे इस मासूम ने कौन सा पाप किया था? क्या जवाब दिया है अपने दोस्त की दोस्ती का? अरे जिस दोस्त ने अपनी रगों से खून निकालकर तुम्हारी रगों में जिंदगी भर दी, तुमने उस दोस्त को जीते जी मार डाला? नहीं रेनू, विजय के लिए मौत की नहीं जिंदगी की दुआ मांगो। मैंने हमेशा उसका भला चाहा है, उसकी सलामती की दुआ मांगी है मैंने। देखा कितनी लंबी उम्र है मेरे दोस्त की। जानते हो विजय, अभी अभी तुम्हारे जिक्र हो रहा था। तुम कब आई? अभी। खाना खाया? अरे भाई तुम्हारे तो इंतजार हो रहा था। काका। हाँ बेटा। जल्दी से खाना लगाओ, आज बहुत दिनों बाद सब साथ मिलकर खाएंगे। लो ये लो बेटा। क्या बात है काका, आज आपके बहू मार से खाना क्यों नहीं खा रही? नहीं आज वो नहीं खाएगी। क्यों? क्योंकि वो बेचारी भूल गई थी कि आज करवा चौथ का व्रत है। अच्छा। मैंने उसे याद दिलाया कि बेटी अपने पति की सलामती के लिए रख ले। तुम लोग खाना खाओ। कितनी अजीब बात है विजय, कभी कभी पति के नाम से कितना कंफ्यूजन हो जाता है ना।
क्या बात है, पेट भर गया? मेरा भी पेट भर गया, पता नहीं आजकल भूख ही नहीं लगती। खुद देख लेना तुमने रेनू, रोज यही तमाशा होता है। मैं तंग आ चुकी हूं, मैं भर क्यों नहीं जाती? नहीं सीमा, रेनू मेरी जिंदगी अब जानू बन गई है। विजय को बचा लो, सिर्फ तुम उसे बचा सकती हो। प्लीज मुझ पर एहसान कर दो रेनू, प्लीज रेनू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? ये फूल अच्छा है ना? इसे निकाल दो प्लीज। क्यों? ओ, अब समझी। ये फूल तुम्हें सीमा की याद दिलाता है ना? भगवान के लिए रेनू। भगवान तो मैं तुम्हें समझती थी विजय, तुम्हें एक देवता समझती थी। सोची थी कि तुम इंसान होकर भी इंसानों से कहीं ऊंचे हो। एक ऐसा इंसान जो अपनी जिंदगी, अपनी मोहब्बत किसी और को सौंप कर भी शांत था, अपना सब कुछ खोकर भी खुश था। कल तक जिसकी पूजा करने का जी चाहता था वो तो एक कमजोर सी मूरत निकला। मेरी जांच की कसौटी पर तो तुम खोटे सिक्के की तरह निकले। अपने दोस्त पे की हुई मेहरबानी, जिसे हम सब तुम्हारी कुर्बानी समझ रहे थे, तुम्हारी खुदगर्जी निकली। ये सच नहीं है रेनू। सच क्या है विजय? क्या ये सच नहीं कि तुमने सीमा को इस घर में गोपाल की खातिर नहीं अपनी खातिर रखा है? नजरों से प्यास बुझा ली तो क्या फर्क पड़ेगा? सॉरी रेनू, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं वादा करता हूं मैं फिर कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा, कभी नहीं। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं विजय, गलती मेरी थी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। आई एम सॉरी। गुड मॉर्निंग किड्स। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग अंकल। क्या हुआ, आज घूमने नहीं गए? बस अंकल निकल ही रहे थे। देखो बेटी, हम ये कहने आए हैं कि तुम्हारे डैडी 19 तारीख को यहाँ आ रहे हैं। रियली? व्हाट अ सरप्राइज। एग्जैक्टली, और हम भी चाहते हैं कि हम उन्हें एक सरप्राइज दे दें। 19 को वो आ जाएंगे, 20 21 को तुम्हारी मंगनी की खबर दे दें। तो बेटिया क्या मर्जी है तुम्हारी? ये सर झुकाने का मतलब हाँ है या ना? जैसा आपको अच्छा लगे अंकल। और विजय बेटे तुम्हारी क्या राय है? आपकी जो मर्जी अंकल, वही मेरी। गुड, इसका मतलब है कि मैं दीवान साहब को मंगनी की खुशखबरी दे सकता हूं। और हम भी चाहते हैं कि हम उन्हें एक सरप्राइज दे दें। 19 को वो आ जाएंगे, 20 21 को तुम्हारी मंगनी की खबर दे दें। गुड, इसका मतलब है कि मैं दीवान साहब को मंगनी की खुशखबरी दे सकता हूं।
फोन करो इंजेक्शन के लिए। हेलो हेलो विजय, कहता यार बहुत दिल लगा दी। तेरी दवा तलाश कर रहा था। दवा? तू भगवान को बहुत मानता है ना, तो मैंने सोचा तू वहां मांगने गया होगा। ये ऊपर वाले जल्दी से मेरे दोस्त गोपाल को ऊपर बुला ले। गोपाल, ताकि तू सीमा से शादी कर सके, है ना? ये तू क्या कह रहा है यार? क्यों कर रहा है ये सब? क्यों हमारी दोस्ती और विश्वास के माथे पर तोमत का यह कलंक लगा रहा है? नफरत की वो कौन सी आग है जिसमें हम सब एक साथ जल रहे हैं? हमारे दरमियान वो कौन सी कांच की दीवार है जिसमें से हम एक दूसरे को देख तो सकते हैं मगर छू नहीं सकते? इस घुटन से बाहर आ दोस्त, शक और नफरत के चश्मे को अपनी आंखों से उतार फेंक, अपने चाहने वालों को एक बार फिर से पहचान, उगल दे अपनी आत्मा पर पड़े हुए उस जहर को। गोपाल, मैं वो सारा जहर अमृत समझकर पी जाऊंगा। बोल यार, तेरी बीमारी का इलाज यही है? बोल, कह दे अपने मन की बात, कह दे अपने मन की बात। ठीक कहता तू, आज ही मुझे कहना है और आज ही तुझे सुनना है। तू किसी रूपा नाम की लड़की को जानता है? रूपा? हाँ रूपा, यही तो नाम था उसका, रूपा। रूपा, एक बार प्यार से तू बोल, प्यार से तू बोल मेरे यार। एक लड़का किसी लड़की से मिले उसे हो जाता है प्यार, वो मुंह से तो कुछ भी न कहे पर दिल तो ये कहता है यार। रूपा, तू उसे कैसे जानता है? मैं कैसे नहीं जानूंगा उसे, उसे अगर खराश भी लगती तो मेरे कलेजे में दरारें पड़ जाती। वो उदास होती तो मन करता सारी दुनिया की हंसी छीन लूं, वो रूठती ना तो मेरी जिंदगी रूठ जाती। मैं उसे कैसे नहीं जानता विजय, वो मेरी जिंदगी थी, मेरे वजूद का इकलौता हिस्सा थी, वो मेरा अपना खून थी। मैं उसे कैसे नहीं जानता विजय, वो मेरी अपनी बहन थी। गोपाल, और तू मुझसे मेरे संबंध की पहचान पूछ रहा है? एक मामूली सा इंसान था मैं, लेकिन अपने आप को दुनिया का सबसे खुशनसीब भाई समझता था। एक ही जुनून था मेरा कि अपनी बहन की डोली को कांधा दूं, अपने लाड़ प्यार से उसकी खुशियों को पूरा करता रहा, अपनी मेहनत और पसीने की कमाई से
उसके दहेज का सामान बनाता रहा। अपनी सीता जैसी बहन के लिए ढूंढता रहा मैं भी किसी एक राम को। लेकिन नजर लग गई, नजर लग गई मेरी बहन को। शायद मेरी ही अपनी नजर लग गई मेरी गुड़िया को। उसकी सहेलियों की जिद के आगे मैं हार गया और भेज दिया उसे अनजाने शहर में, जहां कोई राम नहीं रहता था। उस मासूम सी कली को वहां भेज दिया जहां एक भवरे गोपाल। उस दिन उस भवरे का नाम दीपक खन्ना था। यही नाम बताया था तूने उसे विजय? कई खत लिखे लेकिन किसी खत का जवाब नहीं मिला, और मिलता भी कैसे? एड्रेस जो गलत दिया था तूने, मेरे स्वर्ग जैसे घर में तूने आग लगा दी, और तेरा लगाया हुआ फरेब का पौधा उसके अंदर धीरे धीरे बढ़ता गया। उसकी यही मोहब्बत उसके लिए रुसवाई का सामान न बन जाए। रूपा, रूपा, मेरी बहन ने आत्महत्या कर ली। नहीं। हाँ विजय, तुमने मुझसे मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज छीन ली। तुमने मुझसे मेरी बहन छीन ली। नहीं। उसकी चिता के साथ मैंने उसके दहेज और अपने घर को भी आग लगा दी। उस आग को नफरत बना के तुम्हारे शहर में चलाया, ये सोच के कि मैं तुमसे भी तुम्हारी बहन छीन लूंगा। लेकिन कुदरत ने मेरे साथ फिर मजाक किया। मेरे दुश्मन की कोई बहन ही नहीं थी, जिसे मैं मारने आया था उसने मुझे जिंदगी दी। अपनी रगों से खून निचोड़कर उसने मेरी रगों में भर दिया। गोपाल, जिसका मैं नाम और निशान मिटाना चाहता था उसने मुझे जिंदगी दी। जिससे मैं नफरत करता था उसने प्यार और मोहब्बत निछावर की। लेकिन जब रूपा की चिता मेरे सामने आती तो मुझे तुझसे नफरत होती, और मैं इंतजार करने लगा उस दिन का जब तेरी जिंदगी में भी कोई आएगा जिसके बिना तू जिंदा नहीं रह पाएगा। और एक दिन सीमा मेरे उस ख्वाब की ताबीर बनकर मेरे सामने आई। लेकिन मैंने क्या गुनाह किया था गोपाल? सदा मुझे क्यों दी तुमने? कील मेरी छाती में क्यों ठोकते रहे तुम? बोलो। तुम्हारी तो रक्षा की है मैंने, वरना हो सकता था कि तुम भी मेरी बहन रूपक। मैं तेरा गुनहगार हूं, मैंने तेरी सारी खुशियां लूटी थी। सजा मुझे दे गोपाल, जी भर के सजा दे। यही तो नहीं कर सकता विजय, एक दोस्त बन के तुझे मार नहीं सका और एक भाई बन के तुझे माफ नहीं कर सका। इसलिए मैंने तुम्हारे जुल्म और अपनी जिंदगी के एक मियाद मुकर्रर कर दी। जिस दिन से मैंने सीमा से शादी की मैंने एक ऐसा जहर खाना शुरू कर दिया जो आदमी के जिस्म को छली कर देता है और जिसका कोई इलाज नहीं। ये तूने क्या किया? मैं आखिरी डोज ले चुका हूं विजय। नहीं गोपाल, मैं जानता हूं मैं कल की सुबह नहीं देखूंगा। मैं तुझे और दुख नहीं दे सकता दोस्त। मत कह मुझे दोस्त, आज कुछ मत कह। मैं जा रहा हूं। नहीं गोपाल, तू नहीं जा सकता, तू नहीं जा सकता मुझे छोड़कर। गोपाल, अगर तू मुझे छोड़कर चला गया तो मेरा सब कुछ छिन जाएगा। मैं अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हूं यार। गोपाल, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। नहीं यार, भगवान के लिए मेरी जिंदगी ले ले, भगवान के लिए मेरी जिंदगी ले ले, मगर ऐसी मौत मत दे जो मौत से भी बदतर हो। तू अकेला नहीं विजय, तुम्हारी अमानत गंगा की तरह पवित्र है मेरे पास। गोपाल, सीमा, सीमा, तू वादा कर विजय,
तू सीमा को अपना लेगा। नहीं, मेरे मन का बोझ हल्का हो जाएगा यार। मैं रूपा के सामने मुंह दिखाने के लायक तो हो जाऊंगा, उसे कह तो सकूंगा कि कुदरत और प्यार के संबंध तोड़े नहीं जा सकते। तू वादा कर, तुझे तेरे गोपाल की कसम, तू वादा कर। मैं वादा करता हूं गोपाल, मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। रेनू, तुम मुझसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं गोपाल। मेरी तस्वीर का ये रंग तुझे पसंद नहीं आया होगा। आज ही तो असली रंग देखा है मैंने, एक भाई को पहचाना है। तो फिर मेरी रूपा बन के मुझे माफ कर देना, माफ कर दे मुझे सीमा, मुझे माफ कर देना, माफ कर देना मुझे। विजय, गोपाल, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। विजय, नहीं यार, विजय, मुझे अपने बाहों में समेट ले, मैं तेरी बाहों में मरना चाहता हूँ यार। नहीं गोपाल, विजय, गोपाल के चले जाने से बीते हुए कल का एक संबंध टूट गया, लेकिन एक और नया संबंध शुरू हुआ। प्रायश्चित के बोझ से थके हुए विजय वर्मा का ये आलम है कि फूलों से ताल्लुक कब तो है, मगर इतना जब जिक्र बाहर आया समझे कि बाहर आई।